दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गोजो वर्सेस एम एस डब्ल्यू के पीछे होने वाले आज के तीसरे इसी सीजन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लाइगा कौन कितना बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा प्लेइंग इलेवन क्या होगा प्लेयर्स हो हो बदल क्या होगा कौन सी टीमें मैच जीत सकती है इसके अलावा आपके लिए तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल विन कराने में मदद कर पाएंगे स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो कौन सी टीमें मैच जीत सकती है सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे बस एक

जो कि बल्लेबाजी में तीसरे पाएगा ऐसा विकेट के खेल रहा है अगर आप चाहो अगर आप थोड़ा सा रिस्की जा रहे हो तो ऐसा इसी भी इसको लेकर सकते हो जो कि आपको पचास से लेकर के सत्तर के बीच में पॉइंट्स दिला करके जरूर जा सकता है तो पचास से सत्तर के बीच में पॉइंट्स के लिए आप राज को ऐसा ले करके चल सकते हो बात लेकर बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा ऐसा ये भी खेलेगा कैच वगैरह विकेट को मिल जाती है ये चीज को ध्यान देकर के चलना है बल्लेबाजी ऑप्शन देवेंद्र कुमार जो कि बल्लेबाजी तीसरे पे आएगा सिर्फ अगर बीस बॉल खेलिया वहां पर आपको पचास प्लस पॉइंट्स आसानी से दिला करके जाएगा मैं आपको कहूँ सत्तर के करीब पॉइंट्स भी दिला करके जा सकता है इससे बीस बॉल खेल लिया तो हर बॉल पे छक्के चौके

ये बल्लेबाजी में आपको ज्यादा रन बना करके दे पाएगा अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो ना और अगर गोजो की टीम पहले बॉलिंग करे आपको कर रही है आपको लग रही है दो जीएल की टीम, तो जी टीम लेकर के चलना बाकी स्मॉल लीग में लेकर के चलने की जरूरत नहीं है यहां से तीन को लेकर के चलूंगा हर मैच आपको एक से दो ओवर बॉलिंग करके दे ही दे रहा है प्लस बल्लेबाजी में भी पांचवें नंबर पर आ जाएगा ए सोमन जो की बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है प्लस आपको बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके देने वाला है बी बसन इसका बल्लेबाजी क्रम काफी ज्यादा नीचे है बल्ले

बॉलिंग से भी कल के पहले मैच फ्लॉप हुआ दो ओवर पूरा कर रहा है लेकिन सेकंड मैच में बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ गया चेसिंग करते हुए फिफ्टी नाइन रन का चेस था वहाँ पे ओपनिंग करते हैं और ग्यारह बॉल पर अठारह रन बना करके नौ दौट गया और अपनी टीम को मैच विन भी करा दिया वहां पे दो ओवर बॉलिंग भी किया हुआ है तो बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा बल्लेबाजी में भी कई बार अपने आपको ऊपर भेज दे रहा है आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा यहाँ से टी थॉमस की बात करें अगर अगर आपको लग रखे एम एस डब्ल्यू की टीम वन शहीद जीतने ले आसानी से जीत जाएगी तो टी जा एक अच्छा प्लेयर रहेगा दो ओवर बॉलिंग पूरा करेगा स्टीव रॉय अगर पहले बॉलिंग है गोजो की टीम का तो जरूरी प्लेयर रहेगा एम रफिक भी हर मैच से दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रहे हैं। जरूरी प्लेयर रहेगा अगर गोजो की टीम पहले बॉलिंग करेगी अगर गोजो की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है ना आप चाहो तो एम रसी यहाँ से रफिक और एस रॉय में से किसी एक प्लेयर को अपनी जी की टीम से मिस करके जरूर चलना वसीम अब्बास अगर ये प्लेइंग इलेवन में खेले ना तो बिना कुछ भी सोचे अपनी ग्रैंड लीग सभी टीमों में लेकर के चलना है अगर ये खेलेगा बल्लेबाजी में भी फोर आएगा बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा ऐसा क्या भी आपके लिए नंबर वन प्लेयर बन जाएगा ए एंथोनी की बात करें दोनों मैचेस में दो दो ओवर बॉलिंग किया दोनों मैचेस में इसको एक एक विकेट भी मिले हुए हैं तो प्लेयर ये काफ़ी शानदार आप इसको भी लेकर के जरूर चल सकते हो अगर आपको 40 से लेकर के 50 के बीच पॉइंट चाहिए हो तो ए एंथोनी को लेकर के चल सकते हो बी बेबी को आखिरी मैच एक ही ओवर बॉलिंग मिला ए जोजफ का भी कोई ज़्यादा काम है नहीं यहाँ से कोई अच्छा है नहीं अब आप करके आ सकते हो कि वसीम अब्बास अगर प्लेइंग इलेवन में करें इसको लेकर के चलना ए एंथोनी को आपको अपनी जी टीम में लेकर के चलना है से स्टीव रॉय और यहाँ से एम रफी को अपनी दो दो जीएल की टीम से मैं ना लेकर के आप ए एंथोनी को लेकर क्या चल सकते हो यहाँ से बात करें सारी दोनों जरूरी प्लेयर रहेंगे यहाँ से बात करें तीनों अच्छे रहेंगे आप चाहो तो दीप पतांकर को ना लेकर के जैसे कि आप यहाँ से दीप पतांकर को ना लेकर के ए एंथोनी को लेकर के चल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि दीप पतांकर फ्लॉप होने वाला अगर गोजो की दिमी इसमें चेसिंग कर रही है और आपको लग रहा है कि गोजो की दिमी में हारने वाली है तो दीप पतांकर को ना लेकर के आप यहाँ से लेकर के चल सकते हो जिसका नाम है यहाँ से है ए, एंथोनी ए, को लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गोजो की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और गोजो की टीम अगर थोड़ा भी मैच रहने वाली है वहां पर दीपदा एक जरूरी प्लेयर बन जाएगा अब वहीं अगर मैं बात करूँ अपने कैब अभी मैं फिलहाल कर दीप पदांकर को लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि कभी भी फॉर्म में वापस आ सकता है बात कर अपने कैब इसी के बारे में स्मॉल लीग में किसको बनाऊंगा मैं यहां से लेकर के चल रहा हूं पहले सीजन रॉय को अब इसी लेकर के चल रहा हूँ यहाँ से सोमन को रीजन ये ना कि ये सोमन जो है बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा कर रहा है बल्लेबाजी में भी कई बार ओपनिंग कर रहा है कई बार तीसरे पैर कई बार फोर पैर है कुछ भी जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर मैचेस में बल्लेबाजी में ओपनिंग ही करेगा तीन लुइस की बात करें बॉलिंग से कई बार एक ही ओवर कर रहा है और जब दो ओवर बॉलिंग कर रहा है ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है अब बल्लेबाजी

को अंतर से आपको सौ रुपए का मिलेगा वहां पे आपको नब्बे का मिल जाएगा या और सेम प्राइस पुल यानी कि आपके काफी पैसे बचने वाले हैं लेवन चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो